2004 में NPS के लॉन्च होने के बाद ये लोगों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हो गया क्योंकि इसमें आपको सभी रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट प्लान से सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है और इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि NPS में आपको टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है, NPS में कितने तरह के अकाउंट खोले जाते हैं, NPS की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। NPS का अकाउंट ओपन करने से पहले आपको NPS के बारे में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है टीयर वन अकाउंट और एक होता है टीयर टू अकाउंट। टीयर वन अकाउंट NPS में ओपन करना ज़रूरी होता है, तभी आप टीयर टू अकाउंट कभी भी ओपन कर सकते हैं। टीयर टू अकाउंट बिल्कुल सेविंग बैंक अकाउंट के जैसा होता है, इसमें आप जब चाहें पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहें निकाल सकते हैं, लेकिन टीयर टू अकाउंट में आपको कोई भी इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, जबकि टीयर वन अकाउंट में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस इसका एज है, आपका एज कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल होना चाहिए। जितना कम एज में आप NPS का अकाउंट ओपन करते हैं, इसे ऑपरेट करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है। NPS अकाउंट कोई भी ओपन कर सकता है, कोई भी इंडिविजुअल, सेल्फ एम्प्लॉयड, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, या अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तब भी आप NPS का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। NPS में आपको टोटल 60 साल तक कंट्रीब्यूशन करना होता है। 60 साल के अंदर जो भी आपका टोटल कॉर्पस जमा होकर आता है उसका आप चाहें तो 60% लमसम अमाउंट निकाल सकते हैं और बाकी का जो 40% अमाउंट होगा वो पेंशन फंड में डाला जाएगा, जिससे आपको पूरे लाइफ तक आपको पेंशन मिलता रहेगा। कुछ स्पेशल कंडीशन में आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉवल भी कर सकते हैं, आप 60 साल से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं। इनकेस अगर सब्सक्राइबर का डेथ हो जाता है तो जो 40% आपने पेंशन फंड के लिए डाला था वो स्पाउस को या नॉमिनी को दे दिया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, अगर आप NPS में टीयर वन अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या खुद का रोजगार करते हैं तो कैसे आप NPS में इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो कैसे आप यहाँ पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80C के तहत NPS में 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट करके टैक्स डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, यानी कि 1.5 लाख के ऊपर आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत 50,000 रुपया आप एडिशनल टैक्स बेनिफिट के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट के लिए क्लेम कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर आप टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। देखिए, अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पर आपको डबल टैक्स बेनिफिट मिलता है। यानी कि जो टैक्स बेनिफिट सेल्फ एम्प्लॉयड को मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा भी आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अंडर सेक्शन 80C प्लस अंडर सेक्शन 80CCD1B के तहत जो सेल्फ एम्प्लॉयड को 2 लाख रुपया NPS में इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स बेनिफिट मिल रहा था वो तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा आप चाहें तो अंडर सेक्शन 80CCD2 के तहत अपनी सैलरी का 14% या 10% NPS में इन्वेस्टमेंट करके आप चाहें तो एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पर आपको टैक्स बेनिफिट तो मिलेगा ही, इसके अलावा जो आपका बेसिक पे है या आपका DA है उसका 14% या 10% आप चाहें तो NPS में इन्वेस्टमेंट करके उसका भी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि NPS के रिटर्न्स और मैच्योरिटी पर आपको कितना टैक्स देना होगा। मैं आपको बता दूं कि NPS में जो आपको रिटर्न्स और मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, ये बिल्कुल पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। लेकिन जो आप यहाँ पर पेंशन फंड के लिए पैसा जमा करते हैं वो बिल्कुल टैक्सेबल होता है। जब भी आपको हर महीने पेंशन रिटायर होने के बाद मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, उसे आपको अपने इनकम टैक्स के अदर सोर्सेस में शो करना होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो यहाँ पर आप कम से कम महीने का 500 रुपया, यानी कि साल का 6,000 रुपया, और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहें तो जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपर लिमिट कोई भी नहीं है।